बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं MBS पाकिस्तान और मैं हूं मोहम्मद यासिन खान। सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तान को, तमाम अहले वतन को और ख़ासकर जहां जहां मुसलमान आज ईद का फर्स्ट डे मना रहे हैं, ईद का सेकंड डे मना रहे हैं, उन सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और जिन लोगों ने हज की सआदत अदा की है उनको हज मुबारक, और जो नहीं कर सकें इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर वो ज़रूर करेंगे। अच्छा जी, आज MBS से हम आपके लाए कुछ स्पेशल बकरा ईद की रेसिपी। हर घर की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। हमारे घर ईद के फर्स्ट डे पे सबसे पहले जब जानवर कुर्बान होता है तो कलीजी पकाई जाती है, और रात में चावल में बिरयानी, और एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है, शायद आपके घरों में बनती हो, कच्चे कीमे के कबाब, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, आज मैं कुकिंग क्यों कर रहा हूँ कि मैंने आज साइमा को दिया रिलीफ कि जी आज रेस्ट करो, आज कुकिंग मैं करता हूँ। रेसिपी साइमा की है, यानी कि साइमा ने सीखी अपनी सासू माँ से या अपनी माँ से, बहुत सारी रेसिपी जो आपको पहले भी बता चुकी हैं, तो आज मैं करूँगा, हेल्प करेंगी साइमा। साइमा हेल्प कर रही हो? जी जी। अच्छा, अपने नाज़रीन को ज़रा विश कर दो ईद का। सबको बहुत ईद मुबारक। अच्छा साइमा, रेसिपी अगर गलती करूँ तो बताना। कच्चे कबाब के लिए देखें, ये मैंने बोनलेस रखा हुआ है, ठीक है, बोनलेस क्यूब्स रखे हैं, मैं खुद काटे हैं मैंने, और ये मैंने जो है सफाई के साथ क्लीन करने के बाद, अच्छा थोड़े से मैंने इसमें फैट्स रखे हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, बाइंडिंग में बड़ा अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल ड्राई नहीं करना थोड़े से, क्योंकि ऑयल में तो फ्राई होंगे ही होंगे, लेकिन ये कि बिल्कुल ड्राई नहीं करना। और इसको मैं मशीन जो है वो लोकली इस वक्त जो है ना, लोगों ने पथारे लगाए हुए होते हैं, कीमा बना रहे होते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा आप अपने घर में कर लें, क्योंकि वहाँ पर उन मशीनों में कितना कुछ निकला हुआ होता है, क्लीन होती नहीं होती। घर में मशीन है तो नथिंग लाइक इट, ठीक है। ये 750 है बोनलेस, अब बीफ का है मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको अगर केजी करते हैं तो रेसिपी आप चेंज कर सकते हो, कम करते हो तो कम कर सकते हैं। आ जाए रेसिपीज़ की तरफ, मसालों की तरफ। नमक हसबे ज़ौक, ठीक है, हसबे ज़ायका। कटी धनिया भी ये देख लें कितनी है, तकरीबन थोड़ी सी ले लें, कुछ 6-7 मैंने हरी मिर्च ली है इसमें, छोटी और बड़ी, सही बोल रहा हूँ ना साहब, छोटी, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, फ्रेश किया हुआ, पेस्ट नहीं किया मैंने, इसको चॉप कर लिया, ठीक है, बेस्ट है। अच्छा मसालों में एक खाने का चम्मच, ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो बता देना। अच्छा, रेड चिली फ्लेक्स और रेड चिली पाउडर, यानी कि पिसी मिर्च और कुटी मिर्च, कितनी कितनी? आधा आधा चाय का चम्मच है, ठीक है, वैसे आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा और साबुत धनिया, इनको भून के कूट लिया था, ऐसे ही था जी जी, और एक खाने का चम्मच था, और पिसा गरम मसाला, ठीक है, आधा चाय का चम्मच, राइट। एक अंडा चाहिए होगा, ठीक है, एक लेमन है, एक लेमन का जूस है, और साथ में चाहिए होगा आपको, लोग भुने चने का पाउडर भी यूज़ करते हैं और चक्की का आटा भी यूज़ करते हैं, मैं बेसन यूज़ कर रहा हूँ, आप बाइंडिंग के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बेसन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बाइंडिंग अच्छी होती है। तो अब इन सब चीज़ों के लिए क्या करें कुकिंग से पहले, ये है हमारा चॉपर, इस चॉपर में सारी चीज़ों को ऐड करना है और इसी में हम मैश करेंगे। चॉपर अच्छी क्वालिटी का ले लें, ये देखें मेरा 750 ग्राम गोश्त चला गया इसके अंदर, फैट्स मैंने बहुत अपने हिसाब से रखा है, आप अपने हिसाब से फैट कर सकते हैं, ठीक है, तमाम चीज़ें जा रही हैं, देखते जाएँ, ये देखें थोड़ा फ्रोजन चले गए, ये 5-6 टेबल स्पून ये आखिर में भी मिला सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसमें डालें, जब पूरा पिस जाएगा ना फिर हम हाथ से मिला देंगे, हाथ से भी मिलाने तो ज्यादा अच्छा रहता है, उस वो सही रहता है, वो हमें अंदाजा होगा सही। चले ठीक है, अच्छा एक तो इसी में डाल, एक अंडा चला जाएगा इसमें, ठीक है, और प्लस लेमन जूस हम स्क्वीज कर देते हैं डायरेक्टली, थोड़ा सा इसमें, वैसे लोग इमली का पल्प यूज़ करना चाहें, नहीं वो पानी पानी हो जाएगा ना, तो फिर वो कबाब मिक्स नहीं होंगे, ये भी थोड़ा ही डालें, एक लेमन काफी है, बस काफी है, क्या टूटने का वरना खतरा होता है ना, पानी जैसा आ जाएगा तो। चलिए एक लेमन ये कर लिया, ठीक है, और तेल तो फ्राइंग के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैं इसको हमने वो यूज नहीं किया अभी, ये जा रहा है, ये कीमा बिल्कुल बन चुका है आपके सामने, और हमने थोड़ा सा इसको इस तरह से रखा है जैसे हाथ का कुटा हुआ कीमा होता है,
और आई एम वेरी सॉरी, कबाब बनाने की महारत जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किल है, तो वो हम ट्यून करते हैं सायमा की तरफ कि अब वो बताएगी कि कबाब कैसे बना, फिर फ्राइंग पे मैं आता हूँ। ठीक है, अच्छा ये हमारा कीमा रेडी है, इसको हमने चॉप कर लिया था और ये 4 चम्मच बेसन है। चाहें तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि कबाब टूट रहे हैं तो फिर आप उसमें और भी मिला सकते हैं। हाथ अच्छी तरह से वॉश कर लें और फिर ये मिक्स करें। अच्छा, बेसन के आटे के अलावा क्या ऑप्शंस हैं? लोग कहते हैं वो भुने हुए चने का आटा, भुने हुए चने का भी आटा डाल सकते हैं, चक्की का घर का आटा डाल सकते हैं या कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, लेकिन बेसन के से ये कच्चे कीमे के कबाब की जो टेस्ट होता है ना, बहुत मजे का यार, खुशबू ही इतनी कोई जबरदस्त इस वक्त आ रही है कि क्या बात है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। टूटे नहीं, अगर फिर भी आपको लगे कि टूट रहे हैं कबाब तो फिर आप इसमें और भी चाहें तो मिला सकते हैं, बेसन का आटा या चने हो तो चने को पीस के डाल सकते हैं, भुने हुए जो चने होते हैं काले वाले। अच्छा, इसमें अगर इस टाइम पे हम वो इसमें प्याज करके डाल देते तो, अगर स्टोर करते इसको 1-2 दिन बाद बनाने के लिए, अगर हम प्याज चॉप करके डालते हैं ना तो फिर फ्रेश के लिए पानी छोड़ देती है, फ्रेश के लिए अच्छा है ना। वो फ्रेश अगर हमें अभी फ्राई करने हो फौरन तो हम कर सकते हैं। 750 ग्राम तकरीबन इसमें कितने कबाब बन जाएंगे? तकरीबन इससे 18 से 20 आप बना सकते हैं, अगर थोड़े बड़े बनाएंगे तो 15 भी बन सकते हैं, और अगर मीडियम साइज के बनाएंगे तो 18 से 20 बन सकते हैं। इस तरह से इसको बनाने हैं, बहुत ज़्यादा इसको गोल शेप नहीं होते, ये चपली कबाब की तरह ही होते हैं साइडों से इस तरह से, तो ही मज़ा आते हैं। बहुत ज़्यादा इसको दबाते भी नहीं, हल्का हल्का करके फिर इसको रखते हैं हम प्लेट में। इस तरह से आप बना के रख लें, शेप इसका चपली कबाब जैसा ही होता है। ये तो हम कुछ जल्दी से तैयार कर लेते हैं और बाकी फिर हम फ्रीज कर देंगे कल की दावत के लिए। दावत क्या मतलब, हमारे लिए नाश्ते में खाएंगे। तो कुछ बना बहुत मज़े के लगते हैं। तो ठीक है, अब ये जब तक हम रेडी करते हैं ताकि क्विक खड़ी चलेगी और जल्दी से हम फ्राइंग में आ जाएंगे। शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है? शैलो फ्राई होगा, डीप फ्राई। ठीक है जी, शैलो फ्राई करेंगे और सर्व करेंगे और देखते हैं कि ये कबाब फिर टेस्ट भी बताएंगे कैसा है, वो फिर मैं करता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये सायमा ने जो है वो कबाब बना दिए हैं और अब हम इसको शैलो फ्राई करने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा ऑयल, शैलो फ्राई मतलब यही होता है कि डीप फ्राई नहीं कर रहे। ये अच्छा जी, ये इसको बहुत शैलो फ्राई करना है और देखें कहीं से भी जो है ना कबाब बिखर नहीं रहे, टाइम सही जा रहा है ना। और अब ये देखें हम इसको दूसरी साइड से टर्न करेंगे, अब ये देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त किस्म का हुआ हुआ, ये देखें। और इसी तरह से दूसरे को भी करेंगे, आँच थोड़ी सी हल्की रखनी है, आँच हल्की रखनी है। तकरीबन ये 5 से 7 मिनट हो गए थे फिर हमने इसको घुमाया। अच्छा, इसी तरह से हम बस ये जब दूसरी साइड से भी हो जाएंगे तो बहुत लाइट आँच से इसको धीमी आँच से चलो फ्राई करेंगे ऐसे ही है। जी, फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे और सर्विंग करेंगे। यहाँ हमारे तकरीबन ही थोड़ी देर में तैयार हो रहे हैं, अब आप यहाँ से कट करते हैं और हम मिलते हैं अपने सर्विंग की तरफ। ठीक है, ओके जी, फाइनली हमारे कच्चे कीमे के कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं, बहुत क्रिस्पी। अगर मैं आपको करीब से दिखाऊँ, आहा, गर्म गर्म धुआँ भी निकल रहा है, अंदर से बिल्कुल गल चुके हैं। और वैसे सैलड और ग्रीन रायता भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने सिंपल जो है ना वो प्याज टमाटर और ये काट के दे दिए। और मैं अब टेस्ट करने आ रहा हूँ क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आई रियली लव दिस। गोस परफेक्ट चपाती के हाथ बहुत ज़्यादा है ना, तुम्हें भी मेरे हाथ के बने हुए ट्राई करने पड़ेंगे। क्या मैं कैमरा मूव करूं कि तुम भी टेस्ट करो? नहीं नहीं, आप खाएं। अच्छा, बहुत परफेक्ट, ट्राई करना मस्ट है। यहाँ हम आपसे खुदाफिस करेंगे। ये हमारी फर्स्ट डे की बेस्ट रेसिपी थी ईद की। कल क्या बना रहे हैं अभी डोंट नो, मे बी चपली कबाब, मे बी निहारी, वट एवर जो भी होगा ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर आइएगा, कमेंट्स बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।